बहुत वी आर रियली प्राउड कि हम इस सक्सेसफुल शो का हिस्सा बन चुके हैं एंड वी आर रियली ग्लैड कि इतनी अच्छी रेटिंग्स आई हैं एंड आई एम श्योर यू नो जैसे ये शो बना है जितना स्पेंड किया है जितना ध्यान दिया है आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल द एपिसोड्स विल रेट हाई एंड एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है अगर आप देखेंगे पहले सीजन से तो यहाँ पे करंट कपल्स मैरिड कपल्स एक्स कपल्स पूरा का पूरा तड़का दिया हुआ है इन लोगों ने तो आई थिंक इट वाज ऑब्वियस प्लस ऑल्सो सलमान सर का खुद का प्रोडक्शन है उनकी खुद की फीचर है पहले तीन एपिसोड में वो खुद थे नो वंडर द रेटिंग इज सो हाई एंड आई एम श्योर इट कंटिन्यू टू बी हाई ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल होगा बट वी आर एट इट मेहनत कर रहे हैं एंड बस यही वी जस्ट होप दैट यू नो वी कैन फाइनली क्रैक इट एंड डांस वेल हमने जब ये शो किया था हमारी यही सोच थी कि तीन महीने पूरे होते होते हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए एंड बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं काफ़ी चोटें लगी हैं बट वो पार्ट एंड पार्सल है उसका आई थिंक सबको लगी है इनफैक्ट एवरी कपल हैज़ गॉन थ्रू इंजरीज बट द ब्यूटी आई थिंक ये है कि हर हफ्ते डिस्पाइट इंजरीज लोग वापस आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सो आई थिंक दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड वो इंस्पिरेशनल भी होता है हर दूसरे कपल के लिए बहुत ही एक्साइटिंग है एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि दिस काइंड ऑफ डेब्यू आई एम गेटिंग अ चांस टू बी विद माई वाइफ कुडंट बी बेटर फॉर मी एंड वी हैव बीन ऑफर हमें काफ़ी टाइम से ऑफर आए थे बट वी चोज दिस टाइम एंड आई एम वी आर वेरी ग्लैड हमने ये चूज़ किया एंड इन फैक्ट फर्स्ट एपिसोड में सबका यही कहना था दैट अ स्टार इज बॉर्न सॉरी अनीता आप पर नजर नहीं गई सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड बिकॉज यू किल्ड इट लाइक ऑनेस्टली फर्स्ट एपिसोड था तो हमें ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन हम काफ़ी सरप्राइज थे क्योंकि हर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया दैट वी वर सरप्राइज बिकॉज एवरीबॉडी ब्रॉट देयर ए गेम इनफैक्ट हम थोड़े से यू नो लेट बैक थे कि नहीं नहीं हो जाएगा लेकिन वी ऑल्सो पुल द सॉक्स अप एंड अब हम भी हाईफाई लेकर जाएंगे फैंस एक्चुअली बहुत ही स्वीट है वो बहुत इनोसेंट भी होते हैं आई थिंक उनको द फैक्ट दैट हम वो साथ में है दे आर वेरी हैप्पी एंड यू नो वी आर गेटिंग हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस जब से एक्चुअली टेलीकास्ट हुआ है तो मतलब मैसेजेस नॉन स्टॉप आए जा रहे हैं बट वो इनोसेंट है इतने स्वीट हैं दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो वर्किंग हार्ड एंड उनका सपोर्ट एक्चुअली इज विद अस थ्रू आउट सो वी लव इट एंड हम बस इतना ही कहेंगे कि ऐसे ही इनोसेंट रहना डांस पे ध्यान मत देना हमारे लव पे ध्यान देना और वोट करते रहना एक्चुअली 6 साल हुए हैं ऐसा तो मुझे बिल्कुल फील नहीं होता एंड ये जो जर्नी है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं रोहित के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज एक्चुअली हम लिटरली 24 घंटे एक साथ होते हैं So it's an amazing experience and not only dance, I think इस journey में मुझे रोहित के लिए कुछ रोहित के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी एंड यू नो वाई अमेजिंग एक्चुअली नशबुली ने साइन करने का वजह की थी कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे वो भी 4 महीने तक देखो मैं 4 महीने बोलता हूँ क्योंकि मैं सोचते ही फिनाले हूँ 4 महीने तक हम एक साथ काम करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एपिसोडिक किए हैं या फिर हमने ऐसे कभी काम नहीं किया तो शुरुआत अच्छी रही है लाइफ में नहीं रही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरे ब्रदर को लेकर बट आई होप हम अच्छा कम बैक कर रहे हैं अभी वापस कि हम उतनी मैंने बोला जर्नी इस बार मेरे भाई के नाम है हम मेरे भाई के और मैं यूवी के साथ खेलना चाहता हूँ कि हम जीतें तो एक उसके नाम पे कुछ याद हो सो ये ट्रॉफी तो हम लेकर बिल्कुल सर मैं अपने एक्सेस आ नहीं सकता क्योंकि मेरे को मेरी एक्सेस याद नहीं है मेरे को सिर्फ मेरी प्रेजेंट मेरी 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 पास्ट मेरी प्रेजेंट मेरी फ्यूचर मेरे साथ है सो यार जी बहुत जल्दी आने वाला है विद इन 2 वीक्स रोहित का टाइटल सॉन्ग है वो एंथम है तो वो रिवील हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पेज पे सो आप सबको बहुत पसंद आने वाला क्योंकि सभी रोहित उसके अंदर हैं सो उनके लिए मैंने गाना बनाया हाँ मैंने बस एक्चुअली हमने सिर्फ यही नहीं किया था एक्चुअली बाकी सब कर लिया था तो मुझे लगा था मैं डांस कभी नहीं करूँगा बट वो भी हो गया एंड वो इतना प्यार करते हैं हमें कि हम कुछ भी करें वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो अभी तक हम लोग सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे होते थे वो उतना ही देख पाते थे लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नचबलिए में हम लोग वो हमें रिहर्सल करते हुए देखेंगे टूटते फूटते हुए देखेंगे प्यार करते हुए चिड़चिड़ापन लड़ते हुए
हर वो इमोशन जो नॉर्मल लाइफ में होता है. सो आई थिंक इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है. और ये गिफ्ट हमारे फैंस लोगों के लिए है स्पेशली, ताकि वो हम दोनों को फाइनली साथ में एक रियलिटी शो में अच्छे से देख पाए. डांस ये मत पूछो कि कैसा लगता है. अब मेरे तो दोस्त में ऐसा लग चुका कि इतना तो मैंने किसी शो में फिनाले तक मेहनत नहीं करी होगी, जो 2 वीक में कर दिया मैंने. हड्डी पसलियाँ एक हो चुकी है, मतलब कभी कहीं इंजरी होती है, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग करते थे, इतने स्टिफ हैं, हमें मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है. और मेरा जो भुलेखा था कि शादी से पहले कि मेरी बीवी बहुत अच्छी डांसर है, वो भी हट गया क्योंकि ये भी मेरे जैसी है. सो होने वाला इसलिए हमारी शादी हम एक जैसे हैं. और हर शो का एक अलग तरीका होता है खेलने का. इसमें बेसिकली वही है जो तुम रियलिटी में तुम क्या हो. और तुम इट्स नॉट अबाउट बेस्ट डांसर, इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट डांसर, इट्स अबाउट कि तुम जो जिसके साथ आए हो, तो तुम्हारा कपल है, जो तुम्हारी बल्ली है, तुम उसके साथ कैसे हो, नो तुम्हारी लाइफ कैसे है. डांस इट्स ओके, अगर डांस पे पूरा बेस होता तो आई थिंक हम किसी और रियलिटी शो में होते, इधर नहीं होते, क्योंकि मुझे उतना तो आता ही नहीं है, ना यूवी को आता है. बट इट्स अबाउट कि तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है, तुम दोनों एक साथ कैसे हो, या अपनी जिंदगी कैसे जीते. 100% भाई, 100%, क्योंकि मेरे को अपने पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने भरोसा नहीं है, मुझे मेरे प्यार करने वाला भरोसा. प्रिंस एंड यूविका.